पश्चिम घाटों में से एक महत्वपूर्ण साम्राज्य है, वो है सिरुमलई साम्राज्य। उस राज्य पर राज करने वाला जमींदार वनिथिरायन, वो कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बहुत ही दिलचस्प आदमी है। एक दिन एक पेंटर के जरिए चीन में एक तांत्रिक के द्वारा बनाए गए एक जादुई आईना के बारे में उन्हें पता चलता है। वो जादुई आईना अभी वर्मा में है। ये पता चलने के बाद जापान के आर्मी के कंट्रोल में रहने वाले वर्मा पर अंग्रेजों ने हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। वहां पर कई सालों से रहने वाले तमिल लोगों की जमीन जायदाद छीनकर उन्हें अपने ही गांव से बाहर कर दिया गया। जब वो तमिल लोग अपने ही देश अपने ही गांव को छोड़कर भगाए जा रहे थे, तब जमींदार वनिथिरायन उस जादुई आईने को खरीदने के लिए वर्मा आते हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े सम्राट, राजा, जमींदार, साम्राज्य चलाने वाले उस जादुई आईने को हासिल करने के लिए प्रतियोगिता करने लगे। आप सोच भी नहीं सकते जितनी कीमत उस जादुई आईने की लगने लगी। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, जब कोई नई चीज पुरानी हो जाती है तो लोग उसे ठुकरा देते हैं, लेकिन जब किसी पुरानी चीज में नई चीजें डाली जाती हैं तो उसमें एक नई जान आ जाती है। मुरली, टाइम हो गया, चल बाकी काम कल करते हैं। अरे भाई आप जाओ ना, भाभी घर पर अकेली होगी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं पूरा करके आता हूँ ना। ए भाई को लेकर जाना। देखा ना, हमारे जाने के बाद तू क्या करेगा, हमें पता नहीं है क्या? अरे यार ये लॉज नहीं, हॉस्टल है, हॉस्टल। भाई अभी सब लोग मटन मटन करके कुछ कह रहे थे, देख लेना, बाकी तेरी मर्जी। भाई दो दिन से यहाँ पर हूँ मैं, किसी को कुछ पता चला क्या? भाई आप जाओ ना। चल रहे, चलते हैं। सही उम्र पर शादी न करने से ऐसा इधर उधर भटकना पड़ता है। जब से वो मनी के साथ घूमने लगा ना, तब से ये ऐसा हो गया है। ए, कहाँ है रे तू? मैं माँ के साथ बाहर आई हूँ। कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ? मैंने बताया था ना नहीं आ पाऊंगी। ये देख, अगर तू आज नहीं आई ना तो हम दोनों ने जो किया था वो वीडियो वायरल कर दूंगा तेरा। ए, ऐसा कुछ मत करना, तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज, मेरी शादी होने वाली है, सुन रहे हो ना? तू अपनी बकवास बंद कर रहे। बॉयज हॉस्टल में 1013, जल्दी से आ जा। आज तो मेरा पूरा मूड बन गया है, बस वो आ जाए। ए, अपने आप बंद होते।
लाइव शो शुरू कर दिया। हाँ यार शुरू कर दिया, तू हट जा। हाँ ओके ओके। हाय फ्रेंड्स। हाय। फेसबुक पर लाइव हूँ यार। कॉलेज के बारे में कुछ बोलो ना तुम लोग। ओह हाय, मेरा नाम मधु है। मैंने अभी अभी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है। नया कॉलेज स्टार्ट करके हमारी जनरेशन को जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ज्यादा क्या बताऊँ, मुझे कुछ और पता नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। थैंक यू। इस तरफ, इस तरफ। अरे किस तरफ? अरे यार मुस्कुरा तो सही। मैं तो अच्छा लग रहा हूँ। हे साइमन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। हाय, माय नेम इज साइमन, आई एम फ्रॉम फ्रांस। I just love this sculpture in South India, so I have traveled all the way from Paris to learn this art, and I'm so happy to be here. Thank you. Thank you. हाँ 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 सही बात है। अरे देखेंगे ना, बहुत शानदार है, वाकई कमाल है। वाह वाह वाह, इधर भी इधर भी। Hey, हाँ मैं भी मैं भी। क्या बात है। हेलो सर। हाय। सर कॉलेज के बारे में कुछ बताइए ना। क्या बताऊं? ओके, आई एम अरविंद गोपाल,
प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। बहुत खुशी हो रही है मुझे। इट्स माय ड्रीम दैट हैव कम ट्रू टुडे। हे इधर ला। ये लो। या श्योर। हे मदन, कुछ बोलना यार। अरे क्या बोलूं मैं, कुछ तो बोलना। हाय, मेरा नाम है मदन, मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ। हे अब ठीक है ना? बस इतना ही। चल ठीक है, जा अभी। ठीक है। हाय। हे हाय। बिजी हो क्या? नॉट रियली, बोलो। कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नर्वस भी हो रहा हूं मैं, खुश भी हो रहा हूं। कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, जो भी है वो बता दो। नहीं, जाने दो। अरविंद, मुझे बहुत सारा काम है, बताओ क्या बात है। तुम्हारा फॉरगॉटन फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्री है ना, एम्स्टरडम डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ है। सच कह रहे हो? अरे सीरियसली, ये देखो इनविटेशन। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, ये मेरा सपना है, जानते हो? हाँ। Thank you. Will you teach me? Yeah, don't worry. All work is done now. Oh, thank you. Yes. Hey, भाई, तेरे को वार्डन बुला रहा है। सर, उसने बताया कि आपने बुलाया मुझे। सर, प्रिंसिपल से तुमने क्या कहा? समझा नहीं सर। तूने प्रिंसिपल से मेरे बारे में क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा सर। मैं यहाँ शराब पीता हूँ, तूने प्रिंसिपल को जाकर बताया? सर, मेरे बारे में आपको किसी ने गलत बता दिया है सर, कसम से मैंने आपके बारे में प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया। ए, एक थप्पड़ लगाऊंगा, पक्की खबर है कि तूने ही बताया है। तू और तेरे दोस्त जिस भी रूम में रहते हैं उसे खाली कर दे। ये ले, 1013 में शिफ्ट हो जा। सर, इसका और रूम बदलने का क्या संबंध है? ए, ले पकड़ इसे, पकड़ना, चल जा। आइए सर। हेलो सर। कैसी रही आपकी ट्रिप, घर पर सब लोग कैसे हैं? सर, अभी अभी हम लोग उस रूम में सेट हुए हैं और इतनी जल्दी आप बदलने को बोल रहे हो? तू यहाँ से जाएगा कि नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सर, मेरा रूम तैयार हो गया क्या? ये लड़के आज ही खाली कर रहे हैं, उसके बाद आप उस रूम में जा सकते हैं। हे, हे मदन, प्रिंसिपल को तूने बताया, वार्डन को कैसे पता चला? अरे यार, वही समझ में नहीं आ रहा है, अपने साथ रहने वाले किसी ने इस बारे में बताया होगा। ठीक है छोड़, मैंने तो सच ही बोला ना। लेकिन यार, वार्डन की नजर तेरे ऊपर है, जरा संभल के। हेलो। हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, राजेश को दूं क्या? एक मिनट, माँ है। माँ, मैंने अपना फोन सर्विस में दिया है, कुछ हो तो मदन को फोन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है।
ए मदन यहाँ आना। मां बोलो, पापा कैसे हैं? क्या कहा? एक्सीडेंट कब हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है मैं अभी आता हूं। नहीं मां, आप पापा को फोन दो। पापा आप साइकिल पर क्यों गए? आपको बस में जाना चाहिए था ना। हेलो हेलो दिखाओ ना प्लीज। और थोड़ा सा और। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल से मिलना है। आप इसमें साइन कर दीजिए। प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? सीधा जाके रह जाइएगा। थैंक यू। ठीक है मैम साहब। हेलो सर, मेरा नाम जैस्मिन है। बोलिए। आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड आई आल्सो रन दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड यू ड्रॉप्स। ओह, तो किस मामले में आप यहाँ आई हैं? सर, मैं तमिलनाडु के स्कल्पचर कॉलेजेस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। आपके कॉलेज के बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, सो आई थॉट आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। वेल, दैट्स ग्रेट। आपके यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने सुना है। इनफैक्ट हमारे कॉलेज के बारे में आपके चैनल में आया था, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज का नाम हो गया। ओके, आपको कितना दिन लगेगा डॉक्यूमेंट्री बनाने में? यही कुछ 5 डेज में खत्म कर दूंगी, मैक्सिमम 7 डेज। यस, फूड एंड अकोमोडेशन चाहिए तो मैं इंतजाम कर दूंगा। सर, आपके कॉलेज के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही सोशल साइट पर देखा। एक आर्टिस्ट, आई थिंक मदन, उसका काम बहुत अच्छा है। आई वॉन्ट टू इंटरव्यू हिम। ही इज वेरी टैलेंटेड, यू शुड मीट हिम। सर, और इसके बारे में मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ क्या? या, व्हाई नॉट। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।
इन्हें इस कल्चर डिपार्टमेंट में लेके ठीक है आइए मैडम मैं भी आती हूँ सर ओके सर वो कान के बैक साइड में या फाइन ओके है ना सर हाँ करेक्ट सर वो गर्दन में जरा शेप दीजिए तो मदन ये आपसे मिलने आई हाय जी बोलिए आपका इंटरव्यू लेना है एक मिनट हाँ सर मैं जरा ठीक है जाइए मैंने आपकी वॉल आर्ट पेंटिंग देखी इट वाज अमेजिंग थैंक यू सो मच आप वीडियो बनाने वाली हो हाँ क्यों जी नहीं वो मेरे हाथ पूरे गंदे हैं किसी और दिन कर लेते हैं ना ओके तो फिर आज सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ किसी और दिन इंटरव्यू लेती हूँ जी जरूर एक मिनट ठीक है तो अपने बारे में बताइए मेरा नाम है मदन और गांव का नाम है पलनी पापा एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं मैं दीवारों पर पेंटिंग का वर्क करता हूँ परिवार की हालत खराब थी इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी मुझे विदेश जाकर पैसे कमाने की बहुत इच्छा है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वहाँ अपनी कला को महत्व है इसलिए यहाँ पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेकर मैं विदेश जाना चाहता हूँ ठीक है आपको पेंटिंग में कैसे इंटरेस्ट आया बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था मदन, तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं जास्मिन हम जिसे भी दिल से प्यार करते हैं वो फिर से जन्म जरूर लेता है यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज हिम सर आर यू रेडी यस रोल कैमरा रोलिंग या सर इस कॉलेज को स्टार्ट करने का इंटेंशन क्या है मैंने इस कॉलेज को गवर्नमेंट की लीज पर लिया है इसका कारण यह है कि जो कला खत्म होते जा रही है उसे आगे की जनरेशन के लिए वापस लाना चाहता हूँ ओह, यंगस्टर्स आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं या ऑफ कोर्स मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड सर मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है आप आर्ट्स और स्कल्पचर्स के अलावा पुनर्जन्म के बारे में भी काफी रिसर्च कर रहे हैं मैंने एक इंटरव्यू में सुना है मुझे भी उसमें काफी इंटरेस्ट है इनफैक्ट मैंने उसके बारे में काफी पढ़ा भी है आपका कैसे इस विषय में इंटरेस्ट जगा पुनर्जन्म भी आर्ट से ही संबंधित है ओह और एक पेंटिंग की आत्मा को लेकर एक कविता या कहानी भी लिख सकते हैं उसी तरह एक नॉवल की आत्मा को लेकर एक फिल्म बना सकते हैं सो द सोल स्टिल कीप्स सम ट्रैवलिंग इंसान जब मरता है तो उसका शरीर मरता है उसकी आत्मा नहीं मरती है इंटरेस्टिंग पुनर्जन्म को लेकर कुछ प्रूफ्स हैं क्या या द ग्रेट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आयन स्टेवनसन लगभग 40 साल 3,000 से 4,000 केस की स्टडी करके रीइनकार्नेशन साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं लेकिन हम लोग उससे पहले हर पीढ़ी से उसे फॉलो करते आ रहे हैं जैसे कि अपने परिवार में कोई बुजुर्ग मर जाता है और उसके बाद हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग बच्चे का नाम कभी कभी उसी के नाम पर भी रखते हैं अच्छा सर ये जन्म भी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है ऐसा कहते हैं क्या ये सच है सी, पिछले जन्म में हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना वो अगले जन्म में आती है क्योंकि हमारी जिंदगी एक लाइफ साइकिल की तरह है After all, life is also a cycle. कुछ लोगों को पिछले जन्म की सारी चीजें याद रहती हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वो पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं और ज्यादातर लोगों को ऐसी चीजें याद नहीं आती हैं। इसलिए उन लोगों को पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं होता है मैंने एक आर्टिकल में कुछ पढ़ा था सर स्वीडन में एक लड़का है जो कहता है कि उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है मैंने भी इस आर्टिकल को पढ़ा है
इनफैक्ट उस आर्टिकल में जो बातें नहीं बताई गई हैं वो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। उस लड़के की गर्दन पर एक मार्क था, वो क्या है जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो पिछले जन्म में फांसी में लटक कर मरा था, और वो मार्क उसी रस्सी का है ऐसा उसने बोला, और जब पता लगाया तो बात सच निकली। पिछले जन्म में हमारी जो शक्ल होती है इस जन्म में भी वही होती है? वो सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल है। अगले जन्म में आत्मा सिर्फ साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्म में जो लड़का था वह इस जन्म में मक्खी बन सकता है, चींटी बन सकता है, सांप बन सकता है, लड़की बन सकता है, पंछी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस मूर्ति को देखने के लिए। इसे देखने के लिए? अरे ये तो मैं हर रोज अपने रूम से देखता रहता हूँ। क्लाइमेट कितना अच्छा है, मैं कुछ और सोच कर आया था। ये क्या, एक फाइन आर्ट स्टूडेंट होने के बावजूद तुम्हें ये पता नहीं? कभी भी स्कल्पचर को सिर्फ नाइट में ही देखना चाहिए, तभी उसके कर्व्स अच्छे से दिखते हैं। इस तरह उड़ कर रहेगा तो कैसे? ए ये तो तुम्हें फोन पर बताना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे किस्त तो मिल जाती है। लेकिन एक बात है, मैंने इस मूर्ति को पहले कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। अच्छा, कहां पर देखा है? पता नहीं, लेकिन मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। अंदर जाओ, बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम लोग? लाइट ऑफ करके सो जाओ। सर मेरे रूम का फैन नहीं चालू हो रहा है, एक दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? हेलो मदन। हाँ बोल। वार्डन राउंड्स पर आया हुआ है, तू जल्दी से आ जा। वार्डन राउंड्स के लिए आ गया, अगर मैं उसके हाथ लगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं निकलता हूँ, तुम भी जाओ अपने घर। ठीक है, संभल कर जाना। बताओ मदन कहाँ है? पता नहीं सर। अंदर सिग्नल नहीं मिला सर, गांव में पिताजी की तबीयत खराब है। ए, तू बाहर जा। सर पहले प्रिंसिपल से मिलकर आ, उसके बाद एंट्री मिलेगी। सर मैं सुबह जाके मिलता हूँ ना सर। ठीक है, फिर प्रिंसिपल से मिलने के बाद ही इधर आना। ए, ये आज हॉस्टल के अंदर ना आने पाए, अगर आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए सर। हाँ बोलो। ये मदन, यहाँ पर एक आदमी देखा मैंने। कौन है? पता नहीं, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। पेड़ के ऊपर? हाँ। कोई तो पागल होगा, तुम डरो मत। Oh.
रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है ना क्या हुआ है? हाँ मदन, उसी बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। क्या प्रॉब्लम थी उसे? क्यों सुसाइड किया उसने? पता नहीं। वसंत किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मैं जब भी सोच रहा हूं तो मुझे अपने आप में घुटन सी हो रही है। मेरी आंखों के सामने वो लटक रहा था। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एक बात है, तुम्हारे हॉस्टल में होने वाला ये पहला सुसाइड नहीं। मैंने डॉक्यूमेंट्री के लिए तुम्हारे कॉलेज के बारे में बहुत सी डिटेल्स कलेक्ट की हैं। ये देखो, एक साल पहले जब बॉयज हॉस्टल बन रहा था तब वहाँ रहने वाले एक पेंटर ने सुसाइड किया था। ये कौन सा अखबार है? दिनचर्या। वहाँ जाके सर्च करें तो कुछ लीड मिलेगी? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। इस रूम के नंबर को देखो, 5013। उसी रूम में वो पेंटर मरा था। वसंत जिसमें मरा वो भी वही रूम है। मैं भी उसी रूम में रहता हूँ। मुझे शुरुआत में ही थोड़ा बहुत तो शक हुआ ही था। इस हॉस्टल में होने वाली ये दूसरी आत्महत्या है। सर, 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 उस रूम में बहुत सारी परेशानी है। मेहरबानी करके दूसरा रूम दिला दीजिए। hey, पहले से यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तू रूम बदलने की बात कर रहा है। सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ये बता, तुझे प्रिंसिपल से मिलने कहा था, मिलकर आया? सर पहले से उस रूम में एक पेंटर आत्महत्या करके मर चुका है। तो जबान लड़ाता है, चल जाए यहाँ से। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है। दिनचर्या अखबार का ऑफिस यही है ना? हाँ बेटी, लेकिन ऑफिस बंद हुए तो 6 महीने हो चुके हैं, अभी आप लोग क्यों आए हैं? ये ऑफिस बंद क्यों हुआ? अब किताब कौन पढ़ता है बेटी, फेसबुक और व्हाट्सएप में ही अपना समय बर्बाद करते हैं, इसीलिए उसे बंद करके पब्लिक लाइब्रेरी में बदल दिया गया है। ये 6 महीने पहले की आई हुई न्यूज है, इसके बारे में जरा डिटेल्स चाहिए। आप कौन है? ये लीजिए, मैं इस चैनल की एमडी हूँ। ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में चले जाइए, वहाँ पर एक स्टोर रूम होगा। आप जिस न्यूज़ के बारे में जानने आए हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको शायद वहाँ मिल सकती है, जाकर देखिए। ओके थैंक्स। थैंक्स। कॉलेज के हॉस्टल में नाजायज रिश्ते की वजह से आत्महत्या। जासमीन, जरा ये न्यूज़ देखो। 23 सितंबर को सरकार की जमीन में आर्ट्स कॉलेज में बॉयज हॉस्टल बनाया गया, आर्ट्स और पेंटिंग कॉलेज। उस कॉलेज में पेंटिंग का काम चल रहा था, कॉलेज बिल्डिंग बनाई जा रही थी और उसमें काम करने वाले वर्कर पेंटर पलनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तक जांच चल रही है।
इस आत्महत्या में उसके रिश्तेदारों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन पुलिस वालों ने इस आत्महत्या के केस में कोई भी एक्शन नहीं ली और ये एक भयानक सच है। इस सुसाइड के बाद कोई भी न्यूज नहीं आई और कुछ दिनों के बाद यह अखबार बंद हो गया। मतलब हम लोग इस सुसाइड के पहले वाली कोई न्यूज ढूंढे? मूर्ति तो मैंने तुम्हारे कॉलेज में देखी है। बाहर जाके पढ़ते हैं। सिरुमलई साम्राज्य में काम करने वाला मैं एक लेखक हूँ। देखा जाए तो मैं एक पेंटर हूँ। देश के स्वतंत्र होने के 1952 के बाद जमींदारी ऑब्लिगेशन एक्ट लागू होने लगा था, लेकिन कुछ जमींदारों ने कानून को अपना गुलाम बना लिया था और कुछ जमींदार लोगों ने सत्ता को अपने हाथों में लेकर जनता को भी अपने कंट्रोल में रखा था। उनमें से एक है सिरुमलई साम्राज्य पर राज करने वाला जामिन वांथिरायन। अपने बायोग्राफी में लिख कर रखो ये बोले, इसकी वजह से इस बुक को मैं लिख रहा हूँ। जमींदार ने अपनी लाइफ में काफी वर्क स्टैचू आर्ट माइनोट आर्ट वर्क को सीखना ही अपना लक्ष्य बनाकर जी रहे थे। उन्हें जो चीज चाहिए थी उसे अपनी जिद से हासिल कर ही लेते थे। राजा साहब, मैं आपके यहाँ नौकरानी का काम करती हूँ। राजा साहब, 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मेरी तनख्वाह दे देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। पुन्नी, राजा साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं, चलो।
राजा साहब मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज के बाद मैं इस तरफ कभी नहीं आऊंगी, छोड़ दीजिए। उस जमींदार का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसीलिए मैं उसकी बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ। लेकिन जब उनके साथ मैंने सफर करना शुरू किया तो उनका भयानक चेहरा भी मुझे दिखने लगा। बायोग्राफी का अर्थ यह है कि जो सच है वही लिखा जाता है, और यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य भी है। सुनिए एक मिनट। बोलिए। मैं जमींदार की जिंदगी के बारे में लिखने आया हूँ, उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? जमींदार का जो भयानक चेहरा है उसकी वजह क्या है, ये लोगों से मैंने सुना। जमींदार अपने वंश को आगे ना बढ़ा पाने वाला एक नामर्द था। इसी कमी को छुपाने के लिए वो औरतों का जानवरों की तरह शिकार करता था, और ऐसा करके उसे खुशी मिलती थी। माफ कीजिएगा, मैं आपको देख नहीं पाया। आपका हिसाब किताब कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है राजा साहब। मैंने सुना है कि आप अपने किताब में मेरे बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है राजा साहब। डरिए मत, लोग चाहे कुछ भी कहें पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम आपको अच्छी तनख्वाह और इज्जत देते हैं। मेरा नाम और प्रसिद्धि बिगड़ने ना पाए। जी जरूर। इसका हिसाब जल्दी खत्म करो, राजा साहब आने के बाद पूछेंगे। ठीक है, कर देता हूँ। हे रुको, कहाँ जा रहे हो? राजा साहब की आर्ट गैलरी देखकर मुझे कुछ लिखना है। आर्ट गैलरी में जाने की किसी को अनुमति नहीं है बेटा, ये राजा साहब का ही हुक्म है। देखिए, मैं राजा साहब के जीवन के बारे में यहाँ लिखने आया हूँ, और मुझे यहाँ पे सारे अधिकार दिए गए हैं। ये उनकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है आपको तो पता ही है। हाँ। फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, जाओ। अच्छा, अंदर ऐसा क्या है, क्यों किसी को जाने की अनुमति नहीं है? अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं, बहुत कीमती चीजें हैं उस रूम में, और उन सबसे बढ़कर बर्मा से इम्पोर्ट किया हुआ एक माया आईना उसके अंदर है। वो साधारण नहीं है, वो बहुत चमत्कारी आईना है। अगर तुम उस आईने के सामने जाकर खड़ा रहोगे तो तुम पिछले जन्म में कौन थे ये तुम्हें सच में दिखाई देगा। सच में? हाँ, तुम्हें तो राजा साहब ने सभी जगहों पर जाने की अनुमति दी है ना, तो जाओ। Thank you.
क्यों सिद्धा, मेरी कुंडली देखी तुमने? देख ली राजा साहब। क्या लिखा है उसमें? वो जो भी है बताओ। मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। अभी आपका दोष काल चालू है। औरतों के श्राप की वजह से आपको पुत्र नहीं होगा। महालक्ष्मी भी गुजर चुकी हैं। जिस उम्मीद से आप लड़के की परवरिश कर रहे थे वो भी मर चुका है। आपका वंश आपके साथ खत्म हो जाएगा और सारी जायदाद आपकी सरकार को चली जाएगी। मुझे पता है सिद्धा, तुम जो कह रहे हो वो मैं सपने में देख चुका हूं। अगर किस्मत में यही लिखा है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। इस बारे में मुझे कोई दुख भी नहीं है। कितने भी साल बीत जाएं पर लोग मेरे नाम को याद रखें, इसका उपाय बताओ मुझे। उपाय है राजा साहब। यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर वन्नाधी पारे नाम का एक जंगल है। बड़ा ही कमाल का जंगल है। उस जंगल में रहने वाली मल्ली नाम की एक लड़की कन्हही को दिया जलाकर उसे भगवान मानती है। वो लड़की बहुत ही पवित्र है। एक आर्ट गैलरी बनाकर उसके नाम पर करें तो आपका नाम रोशन होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। राजा साहब, कॉलेज बुलाने कितनी भी जल्दी क्या है राजा साहब? मेरे चले जाने के बाद भी मेरा नाम रोशन रहे, सिर्फ इतना ही नहीं है। आने वाले समय में शिक्षा बहुत ही बड़े फायदे वाला सौदा बनेगा, इसलिए। क्यों उर्चवन, तुम कुछ नहीं कह रहे? अच्छा विचार है राजा साहब, लेकिन जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है। उनकी फिक्र तुम्हें क्यों है? राजा साहब, आपने जिसे बुलाने के लिए कहा था वो आया है। नमस्ते राजा साहब। मैं मलमगुड़ी से आया हूँ। तुम्हारे यहाँ मैं एक कॉलेज बनाने वाला हूँ। उसे बनाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है राजा साहब। अच्छा ये बताओ, सुना है तुम्हारे यहाँ आना इतना आसान नहीं है? हाँ राजा साहब, हमारे बिरादरी के लोगों को जंगल के अंदर जाने नहीं देते हैं। उसमें से एक मल्ली नाम की लड़की है, उसके लिए जंगल ही सब कुछ है और जंगल के लिए वही सब कुछ है। बारिश के बादल को समुद्र की तरफ जाने से रोककर इस जंगल में बारिश करके हमारे लोगों की रक्षा करना पंछी जी। कुदरत के साथ जो लोग जीते हैं और मरते हैं, बारिश चाहे तो बारिश करवाते हैं, बारिश नहीं चाहिए तो उसे रोकते हैं। यह शक्ति मल्ली के पास है। राजा साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है बताओ। आपने जिस लड़के को गोद लिया था वो एक हादसे में मारा गया था, आपको ये पता है ना? लेकिन सच वो नहीं है। उस दिन सुबह सुबह पल्ली की पूजा करने के लिए मल्ली एक कुंची का फूल लेने गई थी, तभी मल्ली, ये चोर कौन है बेटी? अपने जंगल के अंदर घुसकर इसने गर्भवती हिरन को गोली मार दी है। हिरन ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, इसीलिए मैं आज इस हिरन के बच्चे को बचा पाई हूँ।
इसका पति भी नियम कानून नहीं मानता था। गर्भवती होने के बावजूद अपने बच्चे का ख्याल ना करते हुए इसने उसे बाहर निकाल दिया और तुमने तो एक गर्भवती हिरन की जान ले ली। रुको भैया, रुक जाओ, मत मारो। अरे रुक जाओ, मारने की जरूरत नहीं है। शेर यहाँ पानी पीने आने वाला है, शेर खुद ही देख लेगा। ये भी सही है, यहाँ जो भी बुरे इरादे से आएगा उसका अंत यही है। वो जब तक जंगल में रहेगी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बोलती है लोग वही करते हैं। यहाँ की जनता आदिवासी जनजाति की है। अपने छोटे छोटे झोपड़े बांध कर कई पीढ़ियों से जंगल और पहाड़ों के बीच में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। इनकी जनसंख्या बहुत कम है और बहुत खुश रहते हैं। ये लोग जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह का नाम है वंधी परई। ए कर्मवाली, क्या हुआ रे, चिल्ला क्यों रहा तू? तितली दिखी जो खतरे की निशानी है, लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। अरे बेटा टाइम हो गया, लाइब्रेरी को बंद करना है, बुक वहां पर रख कर आ जाओ। प्रोमिनेंट सब्जेक्ट में नोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नोज एकदम शार्प होना चाहिए। यस सर। ओके फाइन सर। हेलो सर। या हाउ आर यू? फाइन सर। सर वो फ्रेंच लड़के का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ओह। चेक करने के बाद पता चला है कि उसने अलो मैजिक मशरूम ड्रग्स लिया हुआ था। एग्जैक्टली। सो हो सकता है कि वो नशे में फिसल कर गिर गया हो। मेरे ख्याल से ये एक एक्सीडेंट है। जब हम लोगों ने रूम के कपबोर्ड चेक किए तो हमें बहुत सारे ड्रग्स मिले। इनफैक्ट हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वो उन सारे रूल्स को कैंटीन के लड़कों की मदद से तोड़ता था।
उस कैंटीन के लड़के को हमने निकाल दिया है। तो क्या उस लड़के के पेरेंट्स को बता दिया आपने? यस ऑफ कोर्स मैडम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये बात प्रेस वालों को पता नहीं चलनी चाहिए वरना इस कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। दैट्स ओके सर, आई विल टेक केयर। ए मदन, तुझे कुछ बताना था यार। लगता है कि साइमन ने सुसाइड किया है यार। ये सुसाइड है तू कैसे कह सकता है? वो तो पैर फिसलने की वजह से गिर गया था ना। साइमन के मरने के कुछ देर पहले मैं उसके साथ ही था। मुझे साइमन से कुछ काम था इसलिए मैं साइमन के रूम में गया था। साइमन, साइमन, आई नीड योर ट्रिमर मैन। साइमन, साइमन, आनंद, मेरे घर से कॉल आया था तो मैं वहां से चला गया। उसके बाद खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है। सर? हाँ आ जा मदन। सर आपको एक जरूरी बात बतानी है। सर उस रूम पर होने वाली ये तीसरी आत्महत्या है। मेरे हॉस्टल में आने से पहले उस रूम में एक पेंटर आत्महत्या करके मरा है। मैंने भी सुना था उस पेंटर ने कुछ कर्ज लिया था जिसकी वजह से वो फांसी लगाकर मर गया। सर आप कोई भी कहानी बता दीजिए लेकिन उस रूम में रहने वाले लोग एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं। कल हम लोगों को कुछ होना चाहिए सोचकर डर लग रहा है। मैंने रूम चेंज करने के बाद वार्डन से कही लेकिन वो सुनी नहीं रहे। अगर तुम्हें लगता है कि रूम में प्रॉब्लम है तो मैं वार्डन को बोलता हूँ, तुम रूम चेंज कर लो। थैंक यू सर। अरे सुनो तितली, तितली। तितली दिखी जो खतरे की निशानी है, लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। इसका नाम है कर्मबाली। ये मल्ली का भाई है। जंगल में कब क्या होने वाला है उसे उस चीज की पूरी जानकारी रहती है। ये कुदरत से सीधा बातचीत करता है। भविष्य में क्या होने वाला है उसका उसे पहले से ही अंदेशा हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग इसे पागल समझते हैं। पर इसे पूरी तरह समझने वाले यहाँ सिर्फ दो ही लोग हैं, एक कुदरत और दूसरे उसकी बहन मल्ली। राजा साहब, उधर हिरन है। राजा साहब, लगता है यहां आसपास शेर है। आप यहीं रुकिए। हाँ? तेरी वजह से राजा साहब का निशाना चूक गया। राजा हैं तो हिरन का शिकार करेंगे। ए? शेर भी हिरण का शिकार करके खाता है, तू उसे क्यों नहीं रोकती? वो शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, तुम्हारी तरह शौक के लिए नहीं। तेरी तो रुक जाओ। मल्ली, फुलेली के बच्चे को बहुत तेज बुखार है, जल्दी चल। आती हूँ दीदी। राजा साहब, यही है वो मल्ली। ये मल्ली नहीं है, हिरन है, हिरन।
ये लेप लगाने के बाद तो ठीक हो जाएगी, ठीक है? मल्ली, देख उस पंछी की आवाज आ रही है। लाश को नोचकर कोई खा रहा है। देखो, हिरन के बच्चे को छुपा देना चाहिए। अगर उसे देख लेंगे तो उसे उठाकर ले जाएंगे। ए! ये जगह तुम्हारे बाप की है क्या? सारे के सारे गवार हैं। कल से तुम में से एक भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। बड़ा यार दिलीप कुमार बनने। ए, कौन बोल रहा है? नहीं नहीं साहब, वो नहीं है साहब। आप तो बिल्कुल दिलीप कुमार की तरह गोरे दिखाई दे रहे हो। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा साहब। हे तटकुली, तुझे बहुत मजाक सूझ रहा है क्या? साहब, सदियों से हम इसी जंगल में रह रहे हैं। इस जंगल और हमारे बीच में माँ और एक बच्चे का रिश्ता है। हमें इसे अलग करने की कोशिश मत करिए। यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है, इसलिए जगह खाली कर दो, नहीं तो सड़ जाओगे। साहब, आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए, हमें जरूरत की सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं साहब। आप लोग यहाँ आकर नई बीमारियां मत फैलाइए साहब, यही हमारे लिए काफी होगा। इस जंगल से चले जाओ और इंसानों की जिंदगी जियो, तभी तुम्हारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। ये जंगल जो हमें सिखा नहीं पाया, तुम्हारा शहर हमें सिखा देगा क्या? हम लोगों के बीच ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव नहीं है, और तुम लोग अमीर गरीब के नाम पे लड़ते रहते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो। हमें कुछ ना मिले तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मिल रहा है वो सबको एक समान मिल रहा है। वो तुम्हारी दुनिया में मिलेगा क्या? सर, सर, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग खाली नहीं करेंगे साहब। हे देखो, तुम्हारी बातें सरकार नहीं सुनने वाली, लेकिन सरकार की बातें तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये जंगल अब सरकार के हाथ में है। मैं तुम लोगों को 3 दिन का समय दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अगर इसे खाली नहीं किया तो हम अपने तरीके से खाली करवाएंगे, समझ गए? बेहतर है खाली कर दो। उस रात वहां की जनता पहाड़ों में रहने वाले कुरावी भगवान की प्रार्थना करने के लिए गई थी, क्योंकि सारे खतरों को रोकने वाली शक्ति सिर्फ कुरावी के पास ही थी। ये वहां की जनता का विश्वास था, लेकिन उस रात मल्ली नहीं गई थी। वजह, विश्वास से बढ़कर कर्मबाली ने उसे जो बताया था वो सोचकर दिल एकदम बेचैन था। तुम्हारी बहन एकदम अकेली है, उसने खाना खाया या नहीं, सोई कि नहीं, ये सब नहीं पूछोगे? ठीक है, पूछने की जरूरत भी नहीं, साथ में तो रहना चाहिए ना, जब देखो जंगल में भटकते रहते हो। हमारी रक्षा के लिए पल्ली जी आने वाली है, उसके आते ही हमें कोई नहीं मिटा सकता। ये कैसे कह सकते हो? पल्ली जी ने मुझसे खुद कहा। दो दिन पहले जब तुमने कहा था कि यहाँ कोई खतरा आने वाला है, तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं हमारे अपने लोग खत्म ना हो जाए, लेकिन अब वो डर नहीं है। हमारी रक्षा के लिए पल्ली जी आने वाली है ना? हे करमबाली। क्या है? मलिकुड़ी में बहुत से हाथी आ गए हैं, चलो उन्हें भगा कर आते हैं। मैं नहीं आऊंगा। हे करमबाली, हाथी भगाने का तरीका सिर्फ तुझे ही आता है, चलना। हे, हमने अगर छोड़ दिया तो सुबह तक सारे झोपड़े तबाह कर देंगे। चलो चलो, आओ हमारे साथ, चलो चलो। अरे चल भैया। मल्ली, तुम मुझसे बोलो तभी वो सुनेगा। जाके आइए भैया। मारी की बात सुनकर वो मासूम लोग हाथी को भगाने के लिए
काफी जोश में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मारी का प्लान कुछ और ही था। भूख लगी थी इसीलिए तुम्हारे पास मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। अपने शौक को गांव के अंदर ही रखो, ये जंगल है, काट के फेंक दूंगी। यहाँ से इज्जत से चले जाओ वरना धड़ से गर्दन अलग कर दूंगी। सही कहा, पर वो गर्दन मेरी नहीं तुम्हारी अपनी होगी, खून से लथपथ। यकीन नहीं हो रहा हा? तुझे मौत के घाट उतारूंगी। मल्ली की मौत तक ही इस बुक में लिखा है, उसके बाद क्या हुआ होगा? समीदार ने ही मल्ली का कत्ल किया था, वहां के लोगों को पता है। वहां के लोगों के साथ क्या हुआ होगा? उतारूंगी।
हे अनु, हमने तमिल राइटर से लिखवा कर एक डॉक्यूमेंट्री की थी ना। हाँ। क्या था उसका नाम? राइटर मधिभवन, जिसका हमने इंटरव्यू किया था। हाँ। उसका नंबर मुझे भेजना प्लीज। ठीक है, भेजती हूँ। हेलो। हाय सर, मैं जैस्मिन। तमिल राइटर्स के बारे में हमने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, उसके लिए आपका इंटरव्यू लिया था, याद है आपको? हाँ जैस्मिन, मुझे याद है। अभी किस लिए फोन किया? सर, आई नीड अ फेवर। बोलो ना। उर्चवन जो राइटर हैं, उनकी कुछ डिटेल्स चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, उर्चवन। हाँ? उर्चवन नाम का एक पुराना राइटर था, उस जमाने में उनका काफी नाम था। थीरा रवि नाम के अखबार में लिखते थे, लेकिन अभी वो कहाँ पर है मुझे कुछ नहीं पता। अगर उनके बारे में कुछ पता चला तो मैं तुम्हें फोन करूँगा। ओके सर, थैंक्स। हेलो। उर्चवन के बारे में मुझे एक खबर मिली है। उर्चवन उनका निकनेम है। उनका असली नाम है परम ज्योति। इस नाम से वो बहुत सालों से लिख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। वैसे वो कहाँ है पता चल गया है? उनका एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। थैंक यू सर। सर, सर। कौन है बेटा? नमस्ते सर, हम वनथी परी से आए हैं। क्या बात है बेटा,
सर, जमींदार वंथी रायन के जीवन पर आप एक किताब लिख रहे थे ना, उसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी हमें। उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, आप लोग जाइए यहाँ से। दादाजी खाना आ गया है, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। उस कहानी का अंत जाने बिना हमारी जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई है सर। मैं समझा नहीं। उस कहानी में जो चल रहा है और हमारे हॉस्टल में जो सुसाइड हो रहे हैं, दोनों के बीच कुछ तो संबंध है। उस कहानी का अंत हमें पता चलेगा तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, बैठो। मल्ली की घटना के बाद जमींदार की जिंदगी पर किताब लिखने का मेरा मन नहीं हुआ। वहां पर रहने वाले लोग पालीची का अगला जन्म देख रहे थे। मल्ली के गुजरने के बाद उसकी समाधि के सामने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो मल्ली उसे जरूर पूरा करेगी, ऐसा उन्हें विश्वास हो गया था। लेकिन वो विश्वास ज्यादा दिन नहीं टिका। कर्मबाली वहाँ के लोगों को छोड़कर जंगल में कुदरत के साथ अकेला जीने लगा और हर पूर्णिमा के दिन पालीची को प्रणाम करने के लिए आता था, और ये बात वो कभी नहीं भूलता। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उन्हें 3 दिन का समय दिया था और आज वो 3रा दिन था। अरे, तू किसके इशारे पर यहाँ आकर हमें धमकी दे रहा है? सुनो, आखिरी बार तुम सबसे बोल रहा हूँ मैं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अगर नहीं गए तो एक एक को खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। इन सब की वजह वो जमीन थी। उन लोगों ने उनकी खेती, घर, सब कुछ आग लगा कर जला दिया। कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों को लेकर उस जगह से चले गए। और एक रात मल्ली हमेशा कहती थी कि बाहर के लोगों को गांव में नहीं आने देना चाहिए। हमने हमारी मल्ली को खो दिया। हम ये जगह छोड़कर कहीं चले जाएंगे। हे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से हमें मार मार कर भगा रहे हैं ये लोग। इस जंगल को खत्म कर देंगे, उसके बाद पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। फिर एक दिन इंसान खुद अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो जाएगा। ये पेड़, ये पौधे, ये सारे पंछी सब अपने ही परिवार हैं। इस जगह को छोड़ना और शहर वालों के तलवे चाटने से अच्छा है कि हम इसी जमीन पर रहते हुए मर जाएं। किसी भी आदिवासी को गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो खुद को ही मार ले। उसके बाद उस जमीन पर कॉलेज बनने का काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद लोग बीमारी से मरने लगे। उनके पास पैसे थे, फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उस कॉलेज में रहना चाहता है जिसे वो बना रहा था, लेकिन वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। इस कहानी के हिसाब से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा है, एक है उर्चवन और दूसरा है कर्मबाली। करेक्ट। उस रात को भी पलची अमन मूर्ति के पास जिसने भी देखा ना, वो सही है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी। अगर उससे मिले तो ये आत्महत्या जो हो रही है उसके बारे में पता चल सकता है।
ए, राजेश कहाँ है? पता नहीं यार। आराम से, आराम से। दो आदमी अंदर। हाँ ठीक है, चलो निकलो जल्दी। इसे नोटिस बोर्ड में लगा। जी साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या तकलीफ है तुम्हें? रूम बदलने से सब ठीक हो जाएगा, तुमने कहा था। राजेश कैसा वार्डन? सर डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कोमा में है। सुना तुमने? सर आपसे एक बात करनी है मुझे। बोलो क्या है? उस पेंटर की आत्महत्या के बारे में जासमीन ने एक न्यूज़ का पता लगाया है। उस न्यूज़ के बारे में पता करने के लिए हम उस अखबार के ऑफिस में गए थे, तभी ओरशो नाम के एक राइटर के पास अपने कॉलेज को बनाने वाले जमींदार की जिंदगी के बारे में लिखी हुई एक बुक हमें मिली। मल्ली के मरने तक ही उस बुक में लिखा हुआ था। वो ओरशो अभी भी जिंदा ही है सर। मैं और जासमीन उनसे जाकर मिले और उन्होंने उस कहानी का अंत भी हमें बताया। उस कहानी में जो घटनाएं हुई थी और यहां जो सुसाइड हो रहे हैं उनका कुछ तो कनेक्शन है। करमाली, 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 उस रूम में रहने वाले सब मर क्यों रहे हैं? प्लीज मेहरबानी करके बताइए। वहां हमारी बिरादरी के लोग मल्ली की समाधि के सामने प्रार्थना करते थे। तुम लोगों ने वहां कब्जा करके उसे अपवित्र बना दिया और हमारी बिरादरी को भगा दिया। हमने तो उस रूम को बंद कर दिया है, फिर आत्महत्या क्यों हो रही है? बंद कर दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसे रोकने का उपाय क्या है? जब तक मल्ली पूर्व जन्म लेकर जमींदार को ना मार दे तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी, होती रहेंगी। Thank you.
लोगों को पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उर्चुवान धोखेबाज, धोखेबाज। नागराज, साहब आप मुझे कुछ मत करना साहब, मुझे कुछ मत करना, आप फिर से गलती कर रहे हैं साहब। हाँ फिर से, हमने बहुत सारी गलतियां करती हैं। मुझे कुछ मत करना साहब, मैंने जो किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे कुछ मत करना राजा साहब, तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की मैंने। राजा साहब, राजा साहब, रेड मून डे। Resides in this as me is residing in all of that as me, so that me through this me talking to me. करमवाले के हिसाब से देखा जाए तो जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो बलियल लोगों की आत्माएं हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, भूत और पुनर्जन्म के बीच क्या संबंध हो सकता है? संबंध है, क्योंकि किसी की भी आयु पहले ही लिखी जाती है और जब उसकी आयु खत्म हो जाती है तो वो मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कत्ल हो गया या किसी ने आत्महत्या कर ली तो इस इंसान की आत्मा प्रेत आत्मा बनकर घूमती रहती है। जब उसका समय खत्म होता है तब उस आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। मैंने भी उस बुक को पढ़ा था, जमींदार ने जब मल्ली का कत्ल किया तब रेड मून डे था और आज 50 साल बाद वो रेड मून डे आने वाला है और आज रात को मल्ली कौन है पता लगाना है। जमींदार कौन है ये भी पता लगाना पड़ेगा, वरना उनका अगला टारगेट तुम और राजेश हो। सर यही हमारा पुनर्जन्म है, ये कैसे पता लगाएंगे? पिछले जन्म और इस जन्म के बीच में संबंध है, अगर तुम्हें किसी पर डाउट है तो उसे मेरे पास लेकर आना। पिछले जन्म की रेग्रेशन चिकित्सा से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। पुनर्जन्म और इस जन्म के बीच में संबंध है। इस मूर्ति को मैंने पहले कभी देखा है ऐसा लग रहा है, मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। ये क्या है? ये पुनर्जन्म होने का सिंबल है। Actually, it has three parts: one for birth, one for death, and the other for rebirth. मदन तुम एक मिनट यहीं रुको, चलो जाओ। कूल, नो इश्यूज,
कम जाओ। रिलैक्स हो जाइए, मैं अभी इस कैंडल को जलाऊंगा। कम क्लोजर टू द कैंडल एंड सी द फ्लेम, ओके? और एक बात, ये सब मैं मदन की भलाई के लिए कर रहा हूं। कम क्लोजर, कम क्लोजर, सिर्फ फ्लेम को देखो, ओनली द फ्लेम। कॉन्सेंट्रेट, अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर लो, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ो। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही। सिर्फ तुम फ्लेम को देखो। याद आ जाएगी। कम ऑन, डोंट लूज होप। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन जस्मिन, कम ऑन, यस कम ऑन। जस्मिन तुम ही हो ना मल्ली, हाँ तुम ही हो ना मल्ली। जमींदार याद आया क्या तुम्हें? बोलो क्या जमींदार याद आ रहा है तुम्हें? पिछला जन्म और इस जन्म के बीच में संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पिछले जन्म में लड़का था, इस जन्म में मक्खी हो सकता है, चींटी हो सकता है, सांप हो सकता है, लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
उस रूम में जो भी रहता है उसके साथ कुछ होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वही मारकर दफना देता। उठ जाओ मल्ली, उठ जाओ, अपने जंगल का सर्वनाश करने वाले को जिंदा मत छोड़ो, उठो। मदन, नहीं मदन, मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मदन, नहीं नहीं मदन, नहीं मदन, नहीं, नहीं। Thank you.
हेलो जैस्मिन, मैं श्री बोल रहा हूँ। हाँ श्री बोलो। राजेश कोमा से बाहर आ गया है, मैंने मदन को कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तुम जरा उसे बता दोगे प्लीज? श्योर।